धूमधाम के साथ नाचते गाते हुए किया माँ दुर्गा की विदाई। नवरात्रि के पावन पर्व समाप्त होते ही बांका जिले में माता दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन शुरू हो गया। शाम को आज विभिन्न पूजा पंडालों के संचालकों ने धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते हुए माता का विसर्जन किया। बता दें कि 9 दिनों तक चलने वाले नवदुर्गा की उपासना के साथ आज जिला प्रशासन के आदेश पर विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसी क्रम में बांका के सुप्रसिद्ध तेलडिया के साथ साथ बांका के कई स्थानों की प्रतिमा को बड़े ही आदरपूर्वक विसर्जन किया। मंदिर के संचालकों एवं आस्था में डूबे भक्तों ने नाचते गाते और माता का भजन कीर्तन करते हुए विसर्जन किया। इस दौरान पुलिस और बांका जिला प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रही मौजूद। नवरात्रि के पर्व के समाप्त होते ही आज विजयादशमी के दिन पूजन का कार्य समाप्त होते ही विसर्जन की प्रक्रिया किया गया। इसी क्रम में कई पंडाल संचालकों ने आज नदी व तालाब में माता की प्रतिमा का विसर्जन कर आशीर्वाद भी लिया। बाराहट दक्षिणी क्षेत्र के जिला परिषद उम्मीदवार इंजीनियर सुमन सौरभ मौर्य ने विजयादशमी की अपने क्षेत्रवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। आज भुरना पंचायत के गौरधवा दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जनसंपर्क की। मैं बता दूं कि जो इंसान कुछ करने को ठान लेता है तो पत्थर को चीरकर भी निर्वाह देते हैं, ठीक उसी प्रकार से लगनशील होकर दुर्गा पूजा रहने के बावजूद जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों की समस्याओं से अवगत हुए जिला परिषद प्रत्याशी इंजीनियर सुमन सौरभ मौर्य। बाराहट थाना अंतर्गत चिहड़ गांव में मोहम्मद सऊद आलम के घर में बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP मोहम्मद फैज संचालक के द्वारा चलाया जाता था। अचानक दिन के 1:25 पर व्यक्ति आकर आगे दुकान पर गाड़ी खड़ा कर दिया। दोनों व्यक्ति बैंक के तरफ आए और आते ही शटर बंद कर दिया। शटर के अंदर CSP संचालक और मोहम्मद सफात आलम जो पैसे निकालने के लिए CSP सेंटर आए हुए थे। जब मैनेजर को रिवॉल्वर सटाया गया और पैसे की मांग की गई तब उन्होंने एक बदमाश को लात से मारा। शटर आधा खुला था व बाहर चला गया। इतने में इन्होंने दोनों हाथों से कसकर पकड़कर बदमाश से 5-7 मिनट तक हाथापाई भी की। जान बचाने के लिए उन्होंने एक गोली उसके हाथ में मारा। गोली की आवाज़ सुनते ही जो बाहर में घूम रहे थे उसके सहयोगी वो भी आकर बाहर में घूमने लगे। इतने में दूसरी गोली उसके छाती में मारा और फरार हो गया। CSP संचालक की स्थिति गंभीर देख बाराहट हॉस्पिटल से मायागंज रेफर कर दिया। इधर घटना स्थल पर बांका के पुलिस कप्तान अरविंद कुमार गुप्ता के साथ साथ कई थानों की पुलिस पहुंचकर तहकीकात में जुट गई। बांका पुलिस कप्तान ने साथी दोस्त को जो अपनी जान को दांव पर लगाकर बदमाशों को 5-7 मिनट तक पकड़ कर रखा था उनको पुरस्कृत कर सम्मानित करने की बात कही है। बाराहट दक्षिणी क्षेत्र से जिला परिषद उम्मीदवार सुनीता देवी पहले भी महिला मोर्चा बांका जिला अध्यक्ष पद पर रहकर महिलाओं की उत्थान हेतु कार्य कर चुकी है। उन्होंने आज विजयादशमी की बधाई एवं शुभकामनाएं अपने क्षेत्र के जनता को दी। वहीं वो जिला परिषद हेतु नामांकन का पर्चा भरकर जनसंपर्क में भिड़ गई है। आगे कई जीतने के बाद विकास की गाड़ी को तेज रफ्तार देना व महिलाओं पर विशेष ध्यान देना ही मेरी प्रमुखता होगी। बिहार के इस गांव में हुई रावण की पूजा, बना है दशानन का मंदिर। लोग बोले लंकापति पूरी करते हैं मनोकामना। देश भर में दशहरा पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहार में इस बार कई जगहों पर रावण वध का आयोजन नहीं किया गया। वहीं बिहार का एक ऐसा गांव है जहां रावण की पूजा कई वर्षों से होती आ रही है। आस्था ऐसी है कि दशानन को भगवान मानते हैं। कर्रों का राजस्व देने वाला भागलपुर स्टेशन उपेक्षित। कई ट्रेनों की दिशा बदलने पर आखिर क्यों हो रहा है काम? कर्रों राजस्व देने के बावजूद भागलपुर स्टेशन उपेक्षित है। यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने के बजाय इसमें धीरे धीरे कटौती की जा रही है। अब विक्रमशिला एक्सप्रेस को देवगढ़ विस्तारित करने की शुरुआत तेज हो गई है। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2021, क्या तारापुर आएंगे राजद सुप्रीमो? लालू यादव अभी बीमार हैं, बोली राबड़ी, वेट करें। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2021, बिहार में उपचुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव के प्रचार करने की संभावना कम है, अभी वे बीमार चल रहे हैं। वे राजद प्रत्याशी के पक्ष में तारापुर विधानसभा 27 अक्टूबर को आने वाले थे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि अभी इंतजार करना होगा। बिहार में फिर भारी बारिश का खतरा, मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। यह पूर्वानुमान मौसम विज्ञान विभाग के दिल्ली स्थित केंद्र से शुक्रवार की शाम जारी किया गया है। बिहार में पहली बार डीजल का दाम 100 रुपये के पार, पेट्रोल और महंगा हुआ। बिहार में पहली बार डीजल का मूल्य 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया है। 13 अक्टूबर को डीजल का मूल्य 99.86 रुपये लीटर था। 14 अक्टूबर को यह 36 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 100.22 रुपये पर पहुंच गया।